नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नंदना और मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। मैं आज राजगिरा आटा की हलवा बना के दिखाऊंगी। ये बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाता है। राजगिरा आटा की बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे ये ग्लूटेन फ्री है और इसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत है और ये डाइट के लिए भी अच्छा है। और शरीर में कोई सूजन रहेगा तो ये आटा खाने से सूजन कम होता है। और ये ज़्यादातर व्रत में यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ एक कप राजगिरा का आटा लिया। राजगिरा को पहले मैं थोड़ा सा सूखी कढ़ाई में भून लिया, फिर थोड़ा सा ठंडा करके उसको मिक्सी में पीस लिया। तो मैं घर में ही इसका आटा बना लिया। वो एक कप आटा मैं पहले एक बोल में डालूँगी, फिर थोड़ा सा पानी देके उसको भिगाऊंगी और 10-15 मिनट के लिए उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। भीगने के बाद उसका जो पानी है वो छन्नी में छान लेंगे। अब मैं हाफ कप घी कढ़ाई में ऐड कर दिया। घी जैसे ही गर्म हो जाए तब मैं यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे जैसे चीना बादाम, उसको पहले भून लूँगी। गैस का फ्लेम इस टाइम मीडियम में ही रखेंगे और चीनी बादाम जैसे ही हो जाएगा फ्राई तब उसको अलग प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। अब थोड़ा सा काजू रखे थे उसको भी घी में फ्राई कर लेंगे। काजू जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो जाए तब किशमिश को उसके साथ फ्राई करना पड़ेगा। किशमिश जल्दी फ्राई हो जाता है इसलिए लास्ट में ही डालेंगे, अलग प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। राजगिरा आटे का जो पानी है वो निकल गया। आप कढ़ाई में घी के अंदर दो छोटे वाला इलायची में तोड़ के डाल दिया और दो लौंग ऐसे बीच में तोड़ के घी के अंदर डाल दिया। एक तेजपत्ता ऐड किया। जैसे ही हल्का खुशबू निकल आए वो राजगिरा आटा को इस घी के अंदर डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम में ही रखेंगे और धीरे धीरे ये आटा को अच्छे से मिक्स करेंगे घी के साथ। आटा अच्छे से घी के साथ मिक्स हो गया है। अब हाफ कप चीनी उसमें ऐड कर देंगे, फिर अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। चीनी जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए तब मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूंगी। मैं यहाँ हाफ कप पानी यूज़ किया। गैस का फ्लेम मीडियम में ही रखेंगे। अब जो मैं ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे वो धीरे धीरे उसके अंदर मिलाते जाऊंगी। अच्छे से हिलाना पड़ेगा और लास्ट में एक टीस्पून घी ऐड कर दूंगी। इससे घी का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। मेरा राजगिरा आटा का हलवा बन के एकदम तैयारी हो गया है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। 10 मिनट तक उसको गैस बंद करके रखेंगे, फिर सर्व करेंगे। मेरा राजगिरा आटा की हलवा बन के एकदम तैयार हो गया है और यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप भी घर पर ट्राई कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।